ചില്ലേ അരെ രുക്സാനാ അരെ ശേഖ് ചില്ലി കാങ്ങിയാ അല്ല ഓഹോ അരെ രുക്സാനാ പാനി അഭിലായി അപ്പു ലോ അപ്പു പാനി बेटा मेरे पेट में दर्द हो रहा है एक दिल्ली से मेरी दवाई मंगा दे देखो अपू तुम्हें तो पता ही है वो मेरी तो सुनने वाले हैं नहीं सो रहे हैं जाके कहती हूँ अच्छा आए घर में आटा भी नहीं है अरे बेटा आटा तो मैं मंगा दूंगा पर मुझे ठीक तो होने दे दवाई ला दे मेरी ठीक है अपू जाके उठाती हूँ हाँ जा उठा दे अल्लाह कैसे करूँ अरे मर गया शेख जी ना क्या बात है कभी चैन से सोने नहीं देती तुम्हें हर वक्त सोने का ही काम है बोल क्या काम करवाया तू मेरे से हाय अल्लाह तुम्हें पता है अबू बीमार हो रहे हैं उनसे उठा भी नहीं जा रहे तो क्या हुआ मैं दुनिया बीमार होती है हो जाएंगे ठीक ये तो अल्लाह मियां का फरमान है कोई ठीक कोई सही कोई ठीक कोई सही अभी ना रही मौत अब्बू को तुम्हें अकल है या ना जाओ दवाई लेकर आओ अब्बू की पैसे कर रही है ना पैसे दे ले आऊंगा पैसे अब्बू देंगे बुला रहे हैं जाओ ठीक है हम जा रहे हैं अब्बू के पास हम देखेंगे कितना बीमार है अब्बू दे हम देखेंगे या अल्लाह इन्हें भी कुछ अकल दे दे अरे बेटा तुझे मजाक के पड़ रही है अरे मेरी दवाई ला दे तुझे सुनाई नहीं देता क्या अबू मुझे कम सुनता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है और अबू सुनाई भी कम देता जब पैसे नहीं होते पास में अरे बेटा तू जिस डॉक्टर से दवाई लाएगा ना वो दवाई फ्री की देता है किसी से पूछ लियो डॉक्टर रतन कुमार नाम है उसका करावल नगर में दुकान है बेटा उसकी ठीक है अबू मगर मैंने रतन की दुकान तो देखी नहीं मैं जाऊंगा कैसे अबे कमबख्त मारे किसी से भी पूछ लियो तेरे मुंह में जुबान तो है नाम याद रखियो डॉक्टर रतन कुमार ठीक है अबू अबे बात तो सुन अब क्या बात हो गई बेटा रे एक बात याद और रख ले अगर कहीं तू खो जाए कहीं रल जाए तो बेटा भैंस का खूंटा पकड़ लियो क्या अगर मैं कहीं रल जाऊं या खो जाऊं तो भैंस का खूंटा पकड़ लूं हाँ अब मेरा बेटा समझदार हो गया है जा बेटा जल्दी जा जल्दी जा ठीक है अब्बू तो इतना आराम कर मैं यूं गया और यूं आया जा बेटा जल्दी जा ओ आ ओ या अल्लाह इसे कूलर कोई चला लूं ये तो गर्मी इतनी हो रही है मैं तो परेशान हो गई गर्मी में भी एक ही इसमें पिलक नहीं लगा के देते जिस दिन मेरा करंट लग जाएगा ना उस दिन इसमें पिलक भी लग जाएगा आय हाय ये भी अभी गिरना था रोज कहती हूँ पिलक लगाने के लिए लेकिन इनके कान पे जो नहीं चलती हाय अल्लाह चल तो गया चल अब तो कुछ सुकून सा मिलेगा ही अब भी तो कुछ सुकून सा मिला चैन सा आया अगर मैंने इसमें पानी नहीं डाला तो डला ही नहीं है ठीक है जा रहा हूँ अब्बू की दवाई लेने हाँ हाँ जाओ जल्दी कूलर की हवा कहते रही है हाँ जी और ये धागा अजमेर शरीफ पे बंधवा का ही हाँ ये धागा अजमेर शरीफ का है ठीक है रुकजाना तू भी आराम कर अब्बू ठीक हो जाएगा मैं दवाई लेने जा रहा हूँ ठीक है जाओ जल्दी आ जाना आ जाऊंगा भाई साहब मुझे डॉक्टर की दुकान पर जाना डॉक्टर दुकान पर जाना डॉक्टर की दुकान पर जाना मुझे कौन से डॉक्टर की दुकान पर जाना है नाम तो होगा सो कुछ नाम नाम तो मुझे पता नहीं भाई जान नाम नहीं पता तो फिर मैं कैसे बता दूं भाई जान
देखो अपना काम देखो आगे। ओवे अकड़ रहा। ओवे इसे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है। ओवे मैं तो रल गया दिखा हूँ। अबू कह रहे थे कहीं रल जाए खो जाए तो भैंस का खोटा पकड़ लियो। अबू सही कह रहे थे। ओवे खोटा भी है ना, अबू का कहना पूरा करता हूँ, भैंस का खोटा पकड़ लेता हूँ। अबू कह रहे थे ये ठीक है। अबू मैं तो रल गया। आए अबू मैं तो रल गया। आए अबू तो सही कहता था। अबू तो कहीं रल जाए तो गोटा पकड़ लिया। अबू मुझे तो डॉक्टर की दुकान मिली। मैंने अबू तेरा कहना फुका दिया, गोटा पकड़ के बैठा हूँ अबू, मुझे 2 घंटे हो गए। आए अबू आए अबू रल गया। अबू मैं तो रल गया। मेरा कोई नहीं है दुनिया में, यहाँ अबू मैं रला फिर। अबू दूध लेकर आया भाई, रोटी ना ले आया? रोटी खत्म हो गई। अबू ने बड़ी मुश्किल से दिया एक गिलास दूध। क्या अबू ने दूध बड़ी मुश्किल से दिया? ओए इसका मतलब दुनिया के अबू दूध देते, हमारे अबू ने एक बूंद भी दूध नहीं दिया, खाका के सांड हो रहा। एक बार तो अबू ने भगाई दिया, फिर क्या मैंने अबू को पकड़ लिया, उनका एक गिलास दूध तो देना ही पड़ेगा। मेरा दूध ही पिला दो, मेरे अबू भी दूध बड़ी मुश्किल से देते हैं। अबू ये लो तुम दवाई खाओ, उनकी तो तुम्हें पता ही है कब आए कब जाए। रुखसाना वो तो यूं करा था, यूं गया और यूं आया। हमें तो पता ना है अब्बू, शाम होने को आई, कुछ अता पता है नहीं उनका। तुम दवाई खाओ आराम करो, आए तो ठीक और ना आए तो भी ठीक। ला ला बेटा ये लो। अल्लाह शाफी अल्लाह काफी। रुखसाना बेटा। हाँ जी। शेख चिल्ली आ जाए ना। हाँ उससे कह दियो अबू याद कर रहे हैं। ठीक है अबू कह दूंगी। बेटा गिलास ले जा। ठीक है अबू आप आराम करो। मैं कर लूंगा, तू जा। ओ, 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 ए, लाओ भाई साहब पी के देखता हूँ, बहुत भूख लग रही। अबे दूध तो बिल्कुल भैंस के जैसा ही है, इसका मतलब हमारे अब दूध नहीं देते, गद्दारी करते। लो भाई साहब लो गिलास लो। कहाँ जाओगे? कहाँ भाई यार, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, अपना काम करो। गद्दारी कर रहा। गद्दारी? मैं कुछ समझी नहीं शेख जी। वाह रुखसाना, दुनिया के अब्बू दूध देते हैं और हमारा अब्बू खाका के सांड हो रहा, आज तक एक बूंद भी दूध नहीं दिया। ये क्या कह रहे हो शेख जी, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? एक गिलास लेगा, मैं दूध लाता हूँ, अबू दूध देगा, चाय पकेगी। ठीक है अभी लाती हूँ। ठीक है आज देख, अबू दूध देगा, चाय पकाइए और अबू को पिलाइए, तू भी और मुझे भी पिलाइए। ये लो गिलास, अब लाता हूँ दूध निकाल के। हाँ जाओ लाओ दूध निकाल के। हाँ जा रहा हूँ, देखती हूँ मैं भी कैसा दूध लाओगे। या अल्लाह मुझे तो लगा आज शेख जी का टाइम खराब आ लिया, मैं तो बचाने वाली नहीं हूँ, जब कुछ भी हो जाइयो। अबू आपको तवज्जो दूँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबू हाँ। तुम मुझे मिस कर रहे? ये क्या हो मतलब, तुम याद कर रहे थे? हाँ हराम खोर, मैं याद कर रहा था, बेशरम। ले आया दवाई? दवाई बाद में खाइयो अबू, पहले गिलास दूध दे दो, चाय पकेगी। दूध दे दूं? हाँ। अरे बेटा इंसान दूध नहीं देते,
अबू मैं भी यही मानता था कि इंसान दूध नहीं देते, पर मैं कैसे मान लूं, मैं आज पी का आया हूँ। एकला दूध दे दे। बेटा मुझे लगे तेरी खाल मसाला मांग रही है, वो लट देख रहा ना। हाँ हाँ पड़ा, अभी दो चार लट पड़ते सही से दूध दे दूंगा। जा चला जा हराम जाते चला जा। ओए अबू ने बड़ा 2000 लट पड़े अच्छा से दूध दे दूंगा, इसका मतलब बिना लट पड़े दूध नहीं दे बाबू। अबे क्या सोच रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं, जा अपना काम कर ले। ठीक है अपना काम करता हूँ मैं, अपना काम करूंगा ले, अपना काम करके दिखाता हूँ मैं, अब दिखाता हूँ अपना काम करके। ले दे दूध दूध दे ला रहा। हाँ नहीं कर रहा, हाँ नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। ले दिल से कर दे सीधा देखू तो सही क्या हो रहा। दे दूध दे 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 दे। शेखी तुम पागल हो गए? शेखी अबू को मार रहे हो? पागल हूँ मैं पागल हूँ जरा पता नहीं है अबू को मारता करता नहीं करता। दुनिया के अबू दूध देते लेकिन हमारे अबू ने आज तक एक बूंद भी दूध नहीं दिया, एक बूंद भी दूध नहीं दिया। काका के सांड हो रहा। ओवे ये नीचे क्या झांक के देख रहे हो? अबू अबू तू लौंडे से गद्दारी कर रहा, लौंडे से गद्दारी कर रहा, तू बच्चों से गद्दारी कर रहा है? क्या गद्दारी कर रहे हैं अबू बच्चों से? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आज पानी का दूध दिया कल गाढ़ा भी देगा, कल गाढ़ा भी देगा। इसे छोड़ो बिल्कुल ही पागलपन दिखाते हो, चलो अंदर। शेख जी तुम्हें शर्म नहीं आई अबू पर लट बजाते हुए? लोग तुम्हें क्या नियालती देंगे? मेरा क्या कसूर है? तो किसका कसूर है? अबू ने खुद कहा था कि 2000 लट लगती अच्छा से दूध दे दूंगा। मैं सोचा भैंस की तरह पिट के देगा, अब उसने पानी का दूध दिया तो मैं क्या करूँ, पानी की चाय पिएगी तो। मैं क्यों पीती, तुम पीते? आराम से बैठी रहे, अब मुझे अपना मन की करनी है, जैसे मत ऐसे करती रहे। अब कहाँ जा रहे हो? वाह वाह दावत है घर में, घर में दावत है हमारे। अरे कोई बात नहीं आ जाएंगे, तुम ना होता इसे भेज दिया, दावत है तुम्हारी। ठीक है अभी आ जाओ, बस मेरे साथ ही आ जाओ, अभी अभी आ जाऊंगा। नाजिर भाई, अरे नाजिर भाई। अरे कौन हो भाई, गेट खुला हुआ है, आ जाओ अंदर। मैं था शेख चिल्ली। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शेखू भाई आ जाओ। नाजिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठूंगा नहीं, देर हो रही है मुझे, और भी जाना कहीं। आपकी दावत है घर पे। किस बात की दावत है? बस खुशी है। किस बात की खुशी है? बस खुशी की, बस पूछो। आपकी दावत है, कोरमा बिरयानी बना रहे हैं। चलो ठीक है, आ जाओ मेरे साथ साथ ही आ जाओ। आज ही? अभी तुरंत ही आ जाओ। चलो तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ, नहा दो। आ जाओ आ जाओ। पर अभी का? हाँ शेख भाई। मैं बाहर को आओ भाई जान। हाँ शेख भाई। रफीक भाई आज तुम्हारी दावत है घर पे। ठीक है भाई। हाँ दावत है मुर्गे की, बस आ जाओ। चलो आ रहा हूँ। आ जाओ मेरे साथ ही आ जाओ। ठीक है आ जाऊंगा। भाई मालूम नहीं शेख जी किस बात की दावत करके गया। चलो भाई दावत खाई, हमें बहुत दिनों बाद दावत मिली है। चलो अब तो वहीं चल के पता लगेगी किस चीज की दावत है। चलो अब तो वहीं देखेंगे। मेरा चश्मा कहाँ गया? ओहो वहाँ पड़ा चश्मा। चलो घर के काम तो रोज रोज रहते हैं, दावत तो कभी कभार आती है। चलो चलते हैं दावत खा लेते हैं। ये आदमी कभी सुधरने वाला नहीं है, मैं तो चली जाऊंगी यहाँ से, जब पता चलेगा कैसा होता है कैसा नहीं। अरे बेटा रुखसाना। हाँ अब्बू। शेख चिल्ली कहाँ गया है? मुझे ना पता अब्बू, अगर कुछ बता के जाए तो तुम्हें मैं बताऊँ भी कहाँ गए हैं कहाँ ना। मेरा तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है जब से तुम पे हाथ उठाया है। अरे बेटी मेरा ही तो बेटा है, तेरा क्यों दिमाग खराब हो रहा है? बेटा रे वो करता है जो मैं कहता हूँ। अबू हाँ। करते तो हम भी वही हैं, पर पागलपन कुछ ज्यादा नहीं था? कोई बात नहीं बेटा, अब आए ना उससे कुछ ज्यादा मत कहियो कुछ भी। ठीक है नहीं कहूंगी। हाँ ठीक है। बेटा शेखू आ रहा उससे कुछ कहियो मत। नहीं अबू मैं कुछ नहीं कहूंगी। अब ठीक हो गए? हाँ वो तो रुखसाना बेटी ने दवाई दे दी थी, मैं तो ठीक हो गया, पर तू का मारा मारा फिरे, कुछ खाना कमाना नहीं है क्या? खाने की बात करके आया हूँ अब्बू। अब्बू तुम मेरे अब्बू हो ना? हाँ वो तो मैं हूँ।
काम की सुन लो अबू, काम तो मैं कर आया हूँ, मैं लोगों को दावत दे के आया हूँ, बस तुम्हें इतना काम करना। क्या करना है? इतने मैं ना आऊं, हाँ उन्हें जाने मत देना। क्या दावत, खाना, लोगों को नहीं जाने देना? ये क्या ड्रामा है शेख जी? अब सारी बात बताऊं, अब्बू की दूध वाली बताऊं? ठीक है, हमें ज्यादा कुछ ना पता, पर हमें इतना पता है जितना तू कहेगा, जो तू कहेगा हम इतना करेंगे। ठीक है, ठीक है रुखसाना। ठीक है अब्बू। ठीक है, बस जो भी आए बोलो, दावत दिया शेख जी ने, बस बैठा लेना, जाने मत देना इतने मैंने आऊं। अबू चाहे कुछ भी हो जाए, बस जाने नहीं देना किसी को। हम किसी को भी नहीं जाने देंगे। हाँ जिम्मेदारी निभाना अबू। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। अबू रवि भाई तो आ गए। अबू मैं चलता हूँ, मैं लाऊं चिकन मुर्गी मुर्गा। अच्छा अच्छा जा तो जा। मैं भाईजान दावत तो तुमने सुबह से दे रखी है, अभी तक कुछ बनवाया भी नहीं। भाईजान आप तो नाराज हो गए, बेफिक्र रहो, बैठो तो सही, उसने बना दिया होगा। क्यों अबू बिल्कुल भी जाने मत देना, मैं यूं गया यूं आया। भाईजान घर में जो भी कुछ बना हो हमें तो वही खिला दो, हमारे पास फालतू टाइम नहीं है। अबू इधर सुनो, इन्हें जाने मत देना चाहे कुछ भी हो जाए, रोक के रखना बस। हाँ ठीक है, ना जाने दूंगा। मैं जाता हूँ लाता हूँ चिकन वगैरह। ठीक है, जाने मत देना चाहे कुछ भी हो जाए। भैया आराम से बैठ जाओ अब तुम। अजी कहाँ भेज दे तुमने वो, हमारे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा दावत। देखो जी अगर आप चले गए तो शेख जी हमें जान से मार देंगे, जो शेख जी बोलते हैं हम वो ही करते हैं, हम आपको जाने नहीं देंगे। शेख जी हैं क्या? आइए आइए भाईजान बैठिए। तुम भी दावत खाने आए हो क्या? हाँ जी हाँ, शेख जी दावत करके आया था हमारे। हाँ ठीक है बैठो बैठो, शेख जी आते ही होंगे, दावत खा के जाना। ठीक है जी। अजी क्या खा के जाना, दो घंटे तो मुझे हो गए बैठे बैठे, अभी तक तो आया नहीं है वो, हमें नहीं खाने ऐसी दावत वावत। अबे ओ दावत खा के जाइयो, मैं नहीं जाने दूंगा बगैर शेख चिल्ली के। भाईजान हमें नहीं है ऐसी दावत की जरूरत। चलो भाई चलो, हम तो अपना काम छोड़ का हैं, ये तो बड़े बेगैरत लोग हैं, दावत दिया है घर पे है नहीं। अजी किस पे टाइम रखा इतना। चलो भाई चलो। लो वो आ गए, जल्दी मत करो। बोल बेटा ये दावत वाले पागल हैं क्या? और क्या अकलमंद है, बगैर सालन पके आ गए साले। क्या कहा, हम पागल हैं? चलो भाई चलो। अजी मेरा मतलब है कि मैं पागल हूँ, मैंने बगैर सालन पके बुला लिया साले को। तो अब क्या रहा, दावत है चलें। भाई जान मैं क्या बतलाऊं, जैसे मुर्गे के लिए गया मुर्गा रोजा खोलने चला गया साला, मैंने कोशिश तो बहुत करी। अबू हाँ अब वो कर रहा जो मैंने तुम्हें बतलाया था। अच्छा मैं यूं गया यूं आया, आ लिया होगा मुर्गा रोजा खोल के। और से एक चिल्ली, हमें जरूरत ना है इस दावत की, रोजेदार मुर्गे को कटवाएगा। क्या कहा? अबू कुंडी बंद कर लो, जाने मत देना, बिना दावत के जाने ना चाहिए। जाओ तुम जाओ, हम देखते हैं कैसे चले जाएंगे बिगर दावत खाए। रुखसाना तू ताला लगा दे, मैं देखूंगा कैसे जाएंगे बिना दावत खाए। अबे हराम खोरो तुम्हें इतना भी सबर नहीं है? अबे वो मुर्गा रोजा खोलने गया, आ जाएगा कट जाएगा पक जाएगा खा लेगा। जा बेटा एक काम कर, तू बाहर से कुंडी लगा जा। क्या? एक भी निकल ना जा वरना तुझे बहुत कैटी पड़ेगी। हाँ जा तू जा। सोना बेटी। हाँ अबू। अब मैं देखता हूँ इनमें से कौन बाहर जाएगा। हाँ। आ तू मेरे साथ आ। चलो चलो आओ निकल लो। चलो बे बैठ जाओ एक तरफ को, खामोश। सना बेटी ध्यान रखियो इनका। अबू बाहर आ जाओ, ये तीन सांड मेरे से न संभले, जल्दी आ जाओ अबू। रुखसाना बेटी तू यहाँ बैठ। ठीक है अबू। मैं देखूं जरा इनको, तू
यहाँ बैठ जा। हाँ ठीक है। हाँ भाई। दावत मिलेगी मिलेगी, आरा मुर्गा भी टांगों पे चल के। डरो मत हाँ हाँ हाँ, दावत तो मिलेगी तुम्हें, दावत मिलेगी। बेटी अब तू पैरा दे ले। ठीक है अब्बू, अब मैं देखती हूँ। मुर्गा, बिरयानी, तो तू दावत खाएगा? दावत खिलाते हैं अभी। तो दावत खाने आए हैं तीनों नमूने, यहाँ से खिलाएंगे। अब तू बैठ जा बेटा, मैं देखता हूँ इन्हें। दावत है आफत है। शेख चिल्ली के अब्बू जी, मुझे जाने दो, मुझे तो भूख भी नहीं है। अबे ओए, चुपचाप बैठो, हमें कुछ नहीं सुननी जब तक शेख चिल्ली नहीं आ जाता। ये क्या ड्रामा बना रखा, हमको बिना बुलाए आए थे? फालतू ना बोलियो, तुम दावत खाने आए थे ना? आए थे ना? ना जी ना, हमें कोरमा खाना ना ऐसी बिरयानी खानी। दावत खा के जाना, अगर नहीं खिलाई तो तुम तो पूरे गांव में हमारी बुराई करोगे। करोगे ना? ना जी ना, हम ना करें तुम्हारी बुराई, हम तो तारीफ ही तारीफ तारीफ ही तारीफ करेंगे। आराम से बैठो वरना लाठी की दावत शुरू हो जाएगी। सुन लो बे, अगर यहाँ से भागने की कोशिश की ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। वरना जी खैर नहीं है, क्या तुम हमें मारोगे? कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुन लो बे, सुबान को खामोश करके बैठो वरना अभी लट बिरयानी खिलवा दूंगा। अबू, तुम बैठे हो ना यहाँ पे? हाँ मैं बैठा हूँ, मैं थोड़ा आराम कर लूँ अंदर जाके। आजा तू आराम कर ले। ठीक है, इन्हें निकलने को ही दूंगा मैं। सीधा बैठ जा। हाँ से लिटा दो पीछे को। गेट पे तो बाहर से कुंडी बंद है, चलो दीवार कूद के निकल लेते हैं। चलो रुसाना। अबू, मेहमान भाग गए। भाग गए? हाँ। अबू, हाँ। ढूंढो उन्हें वरना शेख जी बुरा मान जाएंगे। गेट तो बंद है, बाहर तो नहीं चले गए, आजा जल्दी। चलो चढ़ जाओ, चढ़ जाओ दीवार पे, चढ़ जाओ दीवार पे से कूद लेते हैं। चलो 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 जल्दी, चढ़ो ऊपर, चढ़ो ऊपर, चढ़ो 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 जल्दी, खींच ले, खींचो खींच सालों, खींच खींच खींच, पूरा तिर गए थे अभी आलिए हैं। शेख चिल्ली, एक बात सुनिए, गजब मुर्गा वाला ने दुकान नहीं खोली तो इसमें मेरी क्या कमी है? सारा दावत खा के जाना वरना तुम तो हमें बुराई कर कर मार दोगे। अबू, जाने मत देना सारे को वरना बुराई करके मार देंगे तुझे। हाँ मैं इधर खड़ा हूँ, उधर मत जा रहे थे। हमें नहीं खानी दावत, हमें माफ कर दो,
सालों नीचे उतर हो, नहीं लठ मार के टांगे तोड़ दूंगा। रुखसाना तेरा मारिए इसके। अच्छा मार इसके, उतरो नीचे, दावत खिला के भेजेंगे। उतरो उतर उतर जल्दी, उतर 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 तुमने मुझे बुराई कर करके मार देगा। मैं यही खड़ा था, नारा जाता दावत खा के जाओगे या लट खा के जाओगे। आ रहा हूँ बाबू, भगने मत देना इन्हें, आ रहा हूँ मैं, घूम के आ रहा हूँ। मैं खुल जा कम मगत, इधर भाग जाएंगे नहीं वे। आ लिया बाबू, आ लिया आ लिया। आ जा बेटा जल्दी आ जा, यहाँ खड़ा हो, यहाँ खड़ा हो जा, यहाँ अगर हिल गया तो टांगे तोड़ दूंगा। यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ। आ गया आप? हाँ आ गया बेटा। क्या आदमी थे? कितना? तीन थे, तीन। हाँ तीसरा। एक कहाँ? नासिर कहाँ? नासिर उसे देख, तीसरा वो तो उधर को भागा। नासिर ढूंढो उसको। मगत कहाँ से क्या दावत नहीं खाने भागा था नासिर? रुखसाना ठीक है, ठीक है, भगना जाए। ठीक है अब्बू, भगना जाए। अबे कहाँ पे? निकल यार नासिर, अब्बू ने मार देगा, फोड़ देगा सिर। अबे निकल, कहाँ छुप गया? निकल बाहर, मैं निकल यार। निकल, क्यों हाथों को दुख दे रहा? ओ भाई मुझे नहीं खानी दावत। बाहर निकल, बाहर निकल। कहाँ है, कहाँ है? बाहर निकाल। तो आज के बाद दावत में कहीं जाने का भी नहीं हूँ। बाहर निकाले से दावत तो हम खिलाएंगे, दावत खाए बगैर जाने न देंगे। दावत खाएगा, दावत खाएगा। चल आ, चल आ, पढ़ ले बेटा, निकलना चाहिए। आगे चल आगे, गाँव वालों को बुला बेटा। हाँ गाँव वालों को बुला रहा हूँ मैं, गाँव वालों। भाई शेख चिल्ली मामला क्या है? प्रधानी मसला ये है, बात ये है, मेरे अबू और मेरे घर वाले घर में बस तीन आए, देखा देखे चक्कर में, देखा डाल रहे घर में। अरे रफी तुझे शर्म नहीं आई? मोहल्ले पड़ोस में दिन दहाड़े चोरी कर रहा है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। बाजी बाजी हमें बचा लो, हमने डाली डकैती वकैती। अजी काहे की डकैती, हम तो तीनों के तीनों दावत खाने आए थे। अगर ऐसी पता होती कि दावत के बदले झाड़ियों में छुप के जान बचेगी तो हम ना आते दावत खाने। प्रधान जी इनसे ये पूछो, जब ये डकैती नहीं डाल रहे थे तो दीवार कूद के क्यों भागे? दरवाजा खुलने का इंतजार करते। शेख जी इन्हें माफ कर दो, गांव मोहल्ले की बात है। क्यों प्रधान जी? शेख चिल्ली भैया इन्हें माफ कर दो, गांव का मसला है, गांव की बात है। ठीक है प्रधान जी, जब तुम कह रहे हो और खुशबूबाजी कह रही है इनकी, जी जी, तो मैं माफ करता हूँ, वरना आज इनका पाया तार देता और पूरे मोहल्ले की दावत करता, बतला देता कैसी दावत खावे। एक बात याद रखना, सुनो बे जा तो रहे हो, आइंदा कभी दावत खाने आ मत जाना इधर को। ठीक है जी, हमारी गलती बता रहे हैं, अपनी गलती नहीं बता रहे। चले जाओ, चले गए साले, साले पलट फेर देता। मैं जब मुर्गा मिला ही नहीं साले, मैं क्या करता? बैठे बेटा, कोरमा खिलाता साले को, गधे का बच गए साले। एक बात तो बता भाई, ये इतना पागलपन क्यों दिखाता लोगों को और हमें भी दिखाता है? अबे लोग क्या लानतिये देंगे हमारे ऊपर। इतना पागलपन भी ठीक नहीं है शेख जी, तुम लाए तो अब भी कुछ नहीं, दावत किस बात की दी थी? बाहर उजाना मैं दावत इसलिए दी थी, मगर अब्बू दूध देने लगे, गांव वाले कहते हैं कि अब्बू दूध देने लगे, दावत नहीं थी, मेरे गांव वालों को दावत देती, अब मुझे क्या पता था मुर्गे वाला दुकान नहीं खोलेगा। झेल तो इसका पागलपन, मैं तो चला। अब्बू रुको, खाना पका देती हूँ, खाना खा के जाना। हाँ तू रोटी पका ले, मुझे लोगों से माफी मांगनी है। चल अबू मैं भी चल रहा हूँ, गलती मैंने किया था, माफी मैं मांगूंगा। जा पहले तू ही मांग ले जाके। पका बेटे रोटी, आता हूँ मैं अभी। ठीक है अबू, पका देती हूँ अभी। पूरे दिन भूखे मार दिए और भगा भगा के थका दिए। अरे शेख चिल्ली याद रहेगी आज की दावत, कभी जिंदगी में नहीं खाई ऐसी दावत। अरे भाई घर में हो, बाहर आओ। शेख चिल्ली अब क्यों आया, अब क्या कर रहा है यहाँ? मैं तो माफी मांगना है भाईजान, माफी दे दे, मुझे माफी दे दे। अबे तू जा चला जा यहाँ से, अभी किसी को बुला के तेरी हड्डी तोड़वा दूंगा। मैं माफी तो मांग रहा भाईजान इतनी। अबे तू जा रहा ना जा रहा? अरे भाईजान सुनना जरा भाईजान, माफी नहीं कर रहा साले। क्या बात होगी रफी? अजी वो शेख चिल्ली आया था बेवकूफ सा। अबे वो बहुत पागल आदमी है, उसका बाप बहुत शरीफ आदमी है, मरन दे उसको। जा तू अपने घर जा, ठीक है? चलो ठीक है।
अरे रफीक। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया रफीक, मैं अपने शेख चिल्ली के लिए तुझसे माफी मांगने आया हूँ। भैया चाचा माफी की कोई बात नहीं है, आ जाओ खाना तैयार है, खाना खा के जाना। बेटा खाना तो मैं घर जाके खा लूंगा, पर तू मुझे माफ कर दे। चलो माफ तो कर दिया, पर खाना बना रखा है, खाना खा के जाना। कोई बात नहीं बेटा, तू खाना खा, ठीक है? कोई बात नहीं चाचा, बड़े हो आप। अबे इन बाप बेटों ने दिमाग खराब करके रख दिया। नासिर भाई तू फिर आ गया, अब भी कोई कसर रह गई? डर मत भाईजान, मुझे माफ कर दो भाईजान, मैंने आपको बहुत सताया, मुझे माफ कर दो मुझे। भैया काहे की माफी है, तू चला जा मेरी आंखों के सामने से, बिल्कुल मेरी आंखों में खून खोल रहा, चला जा बस, तू जा, निकल जा, निकल ले। हाँ माफी मांग भैया, निकल जाऊं। शर्म नहीं आई से माफी मांगने आया? अबे ऐसी दावत हमने जिंदगी में कभी नहीं देखी और कभी आगे देख भी नहीं पाएंगे। नासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या बात है, दोनों बाप बेटे घर से सलाह करके आए थे आज, आओ बैठो बैठो। नासिर भाई, जो मैंने और मेरे लड़के ने आपके साथ किया है, मैं उसकी माफी मांगने आया हूँ, तुम उसे माफ कर दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दो। चलो कोई बात नहीं, माफ किया, लेकिन देखो बात माफ करने वाली तो थी नहीं। वैसे तो ठीक हो ना? ठीक है, आप अपने घर जाओ, कटे पे नमक मत छिड़को। ठीक है ठीक है, आप आराम करो, मैं चलता हूँ। ठीक है जाओ, माफ किया। माँ पे धी पिता पे छोरा, ज्यादा ना तो थोड़ा थोड़ा। जब भी घर में खाली सोती मिले, सॉरी है, खड़ी हो। ये बदतमीजी नहीं छोड़ोगे? चल रोटी ला दे। लाती हूँ अभी, पूरे कूलर के मजे ले रही है। हाँ हाँ अब तुम भी ले लो। ये लो। अबू कहाँ गए रुखसाना? अबू बाहर कोई गए हैं। अबू भी रोटी खा लेते, पहले तुम तो सटक लो, अबू भी खा ही लेंगे। तो खा ले रुखसाना, तुम ही खा लो। सारा तो बढ़िया पकाया। अबे शेख चिल्ली, अबू कहाँ फिर रहे उधर उधर, रोटी खा लो। फिरने की सुन ले, तेरी गलतियों की माफी मांगता फिर रहा हूँ। अबे कमबख्त मारो, कुछ काम धंधा देख ले। बाबू जब काम ही नहीं था क्या करूं, तू बतला, कर लूंगा मैं तो। अबे वो शब्बीर है ना, सबरू। हाँ शबलू, सबरू सबरू। हाँ शबरू शबरू। हाँ वो ढाबा चलाता, ढाबा साझा मिलानो कह रहा, तू कह तो मिला लू। साझा कर ले, साझा मिलाना कह रहा। हाँ करने की सुन ले, उसका तो चल रहा है ढाबा। बार एक बात है अबू, हाँ साझा करूंगा तो शेख चिल्ली के नाम से ढाबा करूंगा। हाँ हाँ मेरी सारी बात हो गई है, वो तैयार है। ठीक है ना, मैं भी तैयार हूँ। हाँ फिर चल। चलो मैं तो रोटी भी नहीं खा रहा, चल आ जा। चलो और सुनो, जब शाम को आओ ना तो मेरे लिए भी मटर पनीर लाना, बढ़िया सा। काम चलानी साली, पहले मटर पनीर खा ले, दावा चलानी, दावा चलानी, पहले मटर पनीर खा ले। चुप बैठी रहा आराम से, टांग मत फंसावे। हाँ बेटा चल काम कर। इनका तो अल्लाह ही मालिक है। साबिर भाई। हाँ भाईजान। भाई एक बात सुन ले, मैं सालन पर रहूंगा, पैसे मैं रखा करूंगा। ठीक है भाईजान। और अब्बू, हाँ तुम्हारा काम है बर्तन धोने का, प्लेट साफ करोगे? क्या मैं बर्तन धोऊंगा? ओए मैं बर्तन नहीं धोऊंगा। मैं डर क्यों रहे अब्बू, एक बात सुनो, इतना कोई आदमी ना मिले इतना कर लो, फिर तुम्हारी छुट्टी। क्यों साबिर भाई? ठीक कह रहे हो भाईजान, चाचा जब टाइम मिला करेगा तो हम धो लिया करेंगे। हाँ ये ठीक है। ठीक क्या खा गए, बर्तन साफ करो, चलो प्लेट साफ करो, चलो आंखें मत दिखाओ, ग्राहक आने लगे, जल्दी धो, साफ करके धोइयो। ठीक क्या खा गए, जल्दी धो। अबू सब्जी खराब कर रहे हो, वो नहीं हुई नहीं अभी, आराम से धो लो साफ करियो अच्छी तरह से। हाय बर्तन फोड़ेगा अब्बू। काम तो अच्छा मिल गया, दोनों बाप बेटे भी एक साथ रहेंगे, शेख जी भी कोई बदतमीजी नहीं करेंगे। या मेरे मौला इस काम को ऐसी बनाए रखना, अपनी रहमत ऐसी बरसाते रहना, या मेरे मौला तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे शेख जी ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो भाई, कर रहा हूँ
मैं खाना चेक कर रहा हूँ, अगर गलत बन गया तो क्या पिटवाऊंगा ग्राहकों से? तो अपना काम कर। चलो ठीक है। अबे क्या चाहिए? नली पाया भेजा ले जी गुरुदेव, क्या चाहिए या वेज में चाहिए कुछ? शेख चिल्ली। हाँ भाईजान। प्लेट तो गंदी है यार, ये प्लेटें गंदी है अबू। हाँ बेटा। हाँ बेटा, मैं प्लेट कैसे धो रहा हूँ? गिलास सारा गाली दे रहा। धो तो रहा हूँ। हमें साला बता रहा, हमें गाली दे रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। बेटा रहा, अभी पूछवा रहा हूँ। हाँ तो भाईजान आप बोलो, आपको क्या चाहिए? भाईजान मुझे तो दो पाए निकाल दो। सबरो। हाँ भाईजान के पाए निकालो। ठीक है भाईजान, बैठो। ठीक है शेख जी। भाईजान, दो मिनट में आपके दोनों पाए हाथ में। साला ये कह रहा है, दो मिनट में आपके दोनों पाए हाथ में, मुझे नहीं खाने ऐसे पाए। अबे ग्राहक भाग गया। अबे भाई रुक तो सही, तेरे ही तो पाए निकाल रहा हूँ। अबे भाईजान रुक तो सही, तेरे ही तो पाए निकाल रहा हूँ। ओ भाई मुझे ना खाने ऐसे पाए। अबे साला ग्राहक ही भाग गया। शेख जी हाँ। वो ग्राहक ही भाग गया। बता ग्राहक ना भागता ही, तुम भी इतनी देर लगाते हो, प्लेट बिल्कुल तैयार थी पाए होगी। चला ऐसे कर, कोई बात ना, भागे तो भाग जाते, तो अपना काम कर, सलाद काट ले। अच्छा ठीक है, एक काम करो, अपने होटल में एक मुजरे का प्रोग्राम रखो, सारे कस्टमर वापस आ जाएंगे। मैडम जैसा पहले ऐसा होगा। ओके। सलाद भेज रहे, सलाद भेज रहा हूँ। तो सब सलाद लगा, सलाद लगा लगा लगा। शेख भाई हाँ, एक प्लेट और भेज देना खाली। अच्छा खाली प्लेट। अबू। हाँ बेटा। प्लेट सामने हुई, प्लेट मांग रहे ग्राहक, प्लेट दो। अबे कब तक प्लेट धोऊंगा मैं? तू तो कह रहा वो बर्तन धोने वाला लगा लूंगा, अबे कब तक धोऊंगा बर्तन? अबू थोड़े दिन की बात है, प्लेट वाला लगा लेंगे। दे प्लेट, दे दे प्लेट। शेख जी पैराडाइज होटल वाले हमसे चिढ़ रहे हैं। चिढ़ने दे चिढ़ने दे, तुम अपने काम को बढ़ाओ, मगर एक बात सुन ले, प्लेट वाला टहलो कोई। अबू नगरे कर रहा, अगर अबू भाग गया तो काम पिट जाएगा बेटा, या तो प्लेट तुझे धोनी पड़ेगी या मुझे। सही कह रहे हो शेख जी,
प्लेट धोने वाले का इंतजाम करना पड़ेगा। अब्बू तो प्लेट भी ऐसे मारे टेबल पे, धड़ाक देनी सी जैसे हथौड़ा मार रहे हूँ। तू सही कह रहा सबरू, अगर ग्राहक के सिर में मार दी तो होटल हमारा बंद हो जाएगा। सादा भाई, शेख के ढाबे में खाना तो टॉप का बनता है, अब खा भी बहुत दिन लिया। अब मैंने सुना है कि पैराडाइज वाले मुजरा कराते हैं, आज शाम का खाना पैराडाइज होटल में खाएंगे। यार वो डांसर बहुत टॉप की गई है, आज उसी का डांस देखेंगे। सबरू भाई, हाँ शेख जी, अब क्या होगा, ग्राहक आने बंद हो गए। सबरू भाई, सबरू भाई, हाँ शेख भाई, पैराडाइज वालों ने क्या मुजरा करवाना चालू कर दिया। हाँ भाई जान, ऐसे ग्राहक एक भी नहीं रहेगा हमारे पास, हम कब तक मक्खी मारेंगे। सबरू भाई, हाँ यार, मैं भी कितना कमीना आदमी, अबे जिस दिन से ढाबा खोला पूजा प्लेट धुलवा रहे हो। शेख भाई, मुझे भी बड़ा अफसोस होता है, मेरा दिल रोता है अंदर से। तुम एक काम करो, चाचा को गल्ले पे बैठा दो, पलेटे मैं धोऊंगा। गल्ला गल्ला, बाबू को कौन सी गल्ले कोल्ड में घुसा दूं, काम चल नहीं रहा। सारे ग्राहक मां को खा गए, ऐसा बताओ पलेटे अच्छे से अभी शीच दे गुस्सा को अच्छे से। We'll be right back.
शेख जी हाँ। हमारे ढाबे पर एक भी ग्राहक नहीं है, ऐसे कैसे काम चलेगा? सही कह रहे हो सब्बीर भाई, इसका तोड़ तो ढूंढना पड़ेगा और मैं ढूंढ के रहूंगा। मेरा नाम भी शेख चिल्ली है भाई। इमरान भाई, हमने सुना शेख चिल्ली ने ढाबा खोल लिया। आज पता चला, अमीर पहले पता। चलो खाना खाते हैं, आज कौरमा खाएंगे। पैसे तो है ना, कभी फिर खा लेंगे। क्या हुआ, उस दिन की दावत ले लेंगे। ये तो सही है, मगर पैसे नहीं है, कभी बेइज्जती कर दें। अरे बेइज्जती नहीं करेगा तू, चल। चलो ठीक है। सबर भाई देखिए सामने पैराडाइज में तो लाइन लग रही है। हाँ यार, अब तो बिल्कुल ही नाच हो गया। अरे आओ आओ भाईजान, आओ बैठो बैठो। अरे मेरी तकदीर के सितारों बैठो। सबरू चल 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 चल, लगा 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 खाना, लगा लगा बैठो लगा। हाँ कड़ी मांग रहे, कड़ी देख रहा कबू, कोरमा किसी और खिलाएंगे। ले पकड़ा जल्दी फटाफट दे। रोटी दे रोटी दे रोटी दे, बस सलाद की पूछ ले, और पानी दे पानी। या अल्लाह, हमारे बारे में सोचा तो सही, अब काम चल पड़ेगा। बढ़िया, सही कह रहे हो शेख जी। और ध्यान रख, सलाद मांगे तो गोभी का सलाद दे दिया ये रहा। ठीक है दे दूंगा। ठीक है खाओ, जो कुछ और चाहिए बता देना। लाओ भाई 110 रुपए दो। भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है। शेख जी हाँ। ये तो कह रही है हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है हाँ। अच्छा हम आते। ओ भैया पैसे निकालो भाई, ऐसे मजाक बिल्कुल नहीं। जब ऐसे सिर पे दर्द होता सारे ग्राहक टूट गए। देखो शेख जी, उस दिन की दावत बराबर हुई। ये कोई चक्कर नहीं भाई जान, साजे का मामला चल रहा। चलो मैं अपने हिस्से के छोड़ भी दूं, सबीर तो लेगा। पर हमारे पास तो पैसे नहीं है, अब क्या करें? मसला हल करना है भाई। कोई मसला हल करो, मैंने तुझसे पहले मना करा था। ऐसे बोल, ऐसे कर भाई, इससे तो प्लेट धुलवा। और तेरा नाम रफीक है ना, तू रफीक बन के नाच। अगर ग्राहक आ गए तो पैसे पूरे। क्या कहा मैं, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ए, तेरा तो ठीक है ना, जब हराम का खा रहा जब नहीं सोचा। करते हो या बुलाऊं पुलिस को? भाई मैं अपने हिस्से के पैसे दे सकता हूँ, मैं प्लेट नहीं दूंगा। पर मैं नाचूंगी कैसे? एक बात सुन, वो आवाज आ रही है ना, संगीत की आवाज आ रही है ना? हाँ आ तो रही है। बस उसी आवाज में डांस कर दे रफीकन बन के, बस कर दे तक तक दिन तक तक दिन तक। ठीक है करती हूँ करती हूँ। हाँ ठीक है, करता मत बोल दिया, वही तोड़ूंगा पकड़ के। चल तो हो जा शुरू। Mommy
में बड़ा मजा आ रहा था। अब ले तो रहे टेस्ट इसका मांगने का। कह रहा था एक रोटी और ला दे, प्याज ला दे, सलाद ला दे, धो लेने। शेख जी हाँ लो चाय पियो। बार उठाना चाय क्या पी ले, अब तो किसी चीज को मन कर ही ना रहा। चाय भी अच्छी नहीं लग रही रुखसाना। क्या हुआ शेख जी, काम तो अच्छा चलने लगा था। काम तो अच्छा चल गया था मगर पैराडाइज वालों ने लौंडिया ना जानी शुरू कर दी, सारे ग्राहक वहाँ भाग जा। अच्छा तो शेख जी तुम भी कुछ जुगाड़ कर लो। ना जुगाड़ तो है। क्या है जुगाड़? जाना मेरा मन ये कर रहा तू चल ढाबे पर नाच लियो, ग्राहक साले फटाफट 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 आएंगे। ये क्या कह रहे हो, तुम्हारे सिर में कफ मार दूंगी, मैं नाचने वाली दिखाई दे रही हूँ, मैं ना नाचू। रुखसाना हमने थोड़ी देर को रफीक को रफीकन बना कर नचा दिया, थोड़ी देर के लिए बस ग्राहक आने लगे। पर मैं तुम्हें एक तरकीब बताती हूँ। क्या तरकीब है? कान इधर लाओ। ये ठीक है, ललिया जल्दी लिया। लाती हूँ। ला दे बस, बाकी काम हमारा है। ये लो जाओ जल्दी। बन गई सिला मुन्निया शेखू के धावे पे, सज गई सिला मुन्निया शेखू के धावे पे, बन गई सिला मुन्निया शेखू के धावे पे, सज गई सिला मुन्निया शेखू के धावे पे। धावे पे सज गई सिला मुन्निया शेखू के धावे पे, शेखू के धावे पे, चिल्लू के धावे पे, शेखू के धावे पे, चिल्लू के धावे पे, सज गई सिला मुन्निया शेखू के धावे पे। आई थी मेरी घुटने नीचे, प्यार में भागी मैं उसके पीछे, मुझे बुलावे बाप के पीछे, सहज में मेरे कंधे पीछे। फिर क्या हुआ? लुट गई मुन्नी मेरी बहन गोरे से मुखेड़े पे, लुट गई मुन्नी मेरी बहन गोरे से मुखेड़े पे, बन गई सिला मुन्निया शेखू के धावे पे, सज गई सिला मुन्निया चिल्ली के धावे पे, शेखू के धावे पे, चिल्ली के धावे पे, चिल्ली के धावे पे, शेखू के धावे पे, बन गई सिला मुन्निया शेखू के धावे पे।
मारो आदमी को औरत को मारो 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 अच्छा शीला मुन्नी नाम ले लेके हमें चढ़ा रहे हो हैं देख लो भाई आप लोग भी देख लो अच्छा 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 शीला मुन्नी मेरी सालियों का नाम है भाई साहब तुम इधर चलो इधर आओ बताऊंगा हमें क्या बताता इनकी साली का नाम है हम तो अपने साथ की जो है हमारे शीला मुन्नी उनका नाम ले रही थे भाई जान हमारी बात सुनो हमारे होटल में चलिए गड़बड़ हमारे ग्राहक नहीं आ रहे अब हम तुम्हें बिल्कुल सच्ची बात बता रहे ना पैराडाइज वाले तो मुजरा करवा रहे हमारा ब्योत नहीं हमारे धाबे में कैसे आएंगे ग्राहक हमारा ब्योत तो हाँ नहीं भैया ये शीला बन गई मैं मुन्नी बन गई ये देखो भाईजान हमारे तो नकली है सब कुछ हमें माफ कर दो भाईजान इसलिए गाना गा रहे थे हाँ हमें माफ कर दो भाईजान हम तो शेख चिल्ली के ढाबे के चक्कर में ड्रामा कर रहे थे अरे चलो चलो यार अपने अपने घर चलो शेख चिल्ली तो ऐसे करता रहे अब हम फिर मिलेंगे भाईजान सरंदा कैसी थी पेशकश कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो एक सब्सक्राइब बनता है कर दो भाईजान आपका भाई शेख चिल्ली कह रहा एक सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो कमेंट भी कर दो ठीक है कर दिया हाँ।